What's up guys, welcome back to another reaction video. आज की वीडियो में खान सर शायद से पाकिस्तान का रोस्ट करने वाले हैं, तो एक एंटरटेनमेंट वाइज वीडियो होने वाली है और टाइटल है इस बार तो पाकिस्तान को धूल चटा ही दिया, पाकिस्तान रोस्टेड बाय खान सर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द चैनल खान सर पटना। एक बार कमेंट में खान सर ओपी जरूर हो जाए, खतरनाक जवाब होते हैं खान सर के और जो पढ़ाई लिखाई के साथ मस्ती रहती है ना अलग ही लेवल की। तो लेट्स एंजॉय द वीडियो, कर दे वीडियो को फटाफट से लाइक, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। आमने सामने आओ, हाथ में धूल लगा के ससुरा जबान ना घींच दिए तब आदमी कहेगा ससुरा। आओ कराची बताते हैं तुमको यहाँ पर। हम कहे कराची जब आएंगे ना तो कराची तुम्हारा नहीं रहेगा। पाकिस्तान कहेगा भारत में मिलने के लिए, नहीं मिलाना चाहिए ससुरा को, पूरा मुंह आके मिलाओ बाकी सबको, सब आतंक दिया चल आएगा सर यहाँ पे। अब भारत के पासपोर्ट लेके बम फोड़ेगा सर कहीं जाके, इन छोटा सबको नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं। एक एक YouTube से YouTube कम्युनिटी में आपस में बातचीत नहीं होता है, तो एक बार YouTube प्रोग्राम किया था कि आप लोग बात कर सकते हैं सब। देखो पाकिस्तान वाला 4-5 गो था सब, मीटिंग हुआ हमारा तो सामने नहीं 7-10 जूम मीटिंग होता है वहाँ पे, तो बड़ा वहाँ के बड़ा फेमस फेमस लोग थे। हम इधर हमारी भी मीटिंग चल रही थी इधर इंडिया के 4-10 को फेमस फेमस, तो उसी में एक पूछा कि सर आप पाकिस्तान से इतने चिढ़ते क्यों हैं, पाकिस्तान की इतनी बुराई क्यों करते हैं। तो हम कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। सीधा कह दिया बुराई, उसको लगा कि हम अच्छा बोलेंगे कि नहीं बुराई नहीं करते हैं, आपको बुरा लग गया तो सॉरी, अरे क्या बात है ससुरा। तो कह रहे भैया सीधी बात है, बिहारी हैं हम लोग, दोस्ती भी सामने से दुश्मनी भी सामने से, आज नहीं तो पार, जय ससुरा। हम बुराई नहीं करते हैं, क्या करते हैं नफरत करते हैं। और जिसके दो रीजन है, एक हमारे देश पर एक बट्टा ठोक दिया ससुरा ने बेइज्जती का, कितने कम टुकड़े हुए हमारे देश में, चैन से रोने सोने नहीं दिया हम लोग को, अब पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रखा। आज कश्मीर के लोग कुछ भी नहीं करते ना, टूरिस्ट से इतना खुशहाल जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनका ब्रेन वॉश करके उन बेचारों का जीना हराम कर दिया, हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी को इसने ससुरों ने पूरे बदनाम कर दिया, वो तो है, एक पूरी कौम को बदनाम कर दिया ससुरा ने, इसलिए नफरत करते हैं उससे। पूछा सब तो हम समझा दिए बात कि हम इसीलिए नफरत करते हैं, आपके बम गोला बारूद से हम नहीं डरे हैं, 71 में आए थे ना, 2 टुकड़ा करके भेज दिए, दोबारा आइएगा नक्शे से गायब हो जाइएगा। तकलीफ कब होता है कि जब मासूम लोग कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई नौकरी वाला इंसान है बहुत दिन बाद अपने घर जा रहा है, किसी की नई नई शादी हुई है, तुम उसमें बम रख के भड़का के चल जाते हो, ये चीजों से नफरत है। आओ ना लड़ने तुम थोड़ा बॉर्डर पे, आमने सामने आओ, हाथ में धूल लगा के ससुरा जबान ना घींच दिए तब आदमी कहेगा, हाथ में धूल लगा के जबान बात करता है यार, क्या बात है। हमसे बोलता, हमसे कभी वो लोग प्रेम की उम्मीद ना रखे यहाँ पे, उससे हमारे ऊपर वो सब ना काफी ज्यादा कंप्लेन करते रहता है यूट्यूब को, तो वो कहता है कि बहुत समझाता है हमको ये सब नहीं करना चाहिए, एक बार और कंप्लेन किया तो ओकरे समझा दिया कि नहीं सुन रहा है वो, नहीं कहता है तो कहता नहीं सुन रहा है वो, ना सुनेगा आदमी यहाँ पर कभी नहीं, अकर कभी नहीं खत्म हो सकता। और क्या दिक्कत है भाई, तुम लोग सब हम लोग काहे लिए ना, कहीं ना कहीं रीजन है कि नहीं है, आया सब ससुरा ताज होटल में फोड़ के चल गया सब, पुलवामा में मार के रख दिया सब, पूरा कश्मीर को रद्द करके रख दिया सब। आज कश्मीर में घूमने कोई जाता है जल्दी, स्वर्ग कहा जाता है पृथ्वी का, चोटों ने नरक बना दिया है वहां पर, यहाँ बीफ अलाउ नहीं है, हमें मानव का अलाउ कर देना चाहिए, पाकिस्तानियन को भूज के यही खिला दो ससुर को, पाकिस्तानी मान से यहाँ पर उन चोटों को कभी नहीं रहना चाहिए। कहता है सर आप इतना नफरत करते हैं हम लोग से, हमें उम्मीद नहीं थी। हम कहे कोई बात नहीं, बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं, उम्मीद कर लीजिए अब, जीने की आदत डाल लीजिए यहाँ पर। कहता हम लोग भी कम नहीं है, हम कहे बिल्कुल आपकी फौज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपकी GDP अच्छी है, सब सही है आप, लेकिन भारत से अच्छा नहीं है भारत एकदम, कई को ऐसा घुस आ रहा था कि टीविया में घुस के मार देगा सर। आगे वाली पार्टी जो थी मीटिंग, कहते आओ कराची बताते हैं तुमको यहाँ पर। हम कहे कराची जब आएंगे ना तो कराची तुम्हारा नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया, अरे जिस दिन हम लोग कराची रहेंगे उस दिन कराची हम लोग का हो जाएगा, तुम कोई और शहर का नाम बोलो।
बहुत घुसियाता है सब, कहीं भी पहुंचेंगे लोग हम ही लोग का हो जाता है यहाँ पे, घुसियाता बहुत है सब, ले सब घुसिया के ससुर तो नहीं हम लोग का यहाँ। उसके बाद फिर मैसेज आता है ना कि मीटिंग मिलना चाहते हैं कि नहीं, तो दोबारा हम सोचे, तो काफ़ी देर से मीटिंग चल रही थी, कई लोगों की जूम पे होता है ना, उसमें कुछ भी थे सब, जैसे हम आए धीरे धीरे गायब होना चालू कर आ गया खबीज बोलता है सब चल गया सब। हम कहे सन्नाटा क्यों हो गया हम, तो ये डर होना चाहिए, बाप का डर होना चाहिए बच्चों। चलिए अब आगे देखते हम लोग। पर्यटक के लिए सबसे फेमस मालदीव, सोचिए ब्रिटेन की महारानी घूमने आई थी मालदीव, एलिजाबेथ नहीं की राजकुमारी या बिलार नाम है उसका, कैट, हाँ कैट वो आई थी घूमने, वही बिलार या कैट, महारानी का नाम है कैट, आओ का दुल्हा का नाम है विलियम, विलियम बिलार का नाम बिलाई के नाम, तो उसका नाम दुल्हा दुल्हन का नाम है कैट्स एंड विलियम, विलियम एंड बिलार, बिलाई बिलार, तो वो सब यहाँ आए थे से घूमने, इसका मतलब कुछ तो है टूरिस्ट प्लेस। हाँ। इतना सुंदर मनोहर टूरिस्ट प्लेस बनाया है किसको, मालदीव, मालदीव भारत का हीरो हीरोइन घूमने जाता है। हाँ, और भारत सरकार का होश खुला है, भाई हमरो पास है रही तो लक्षद्वीप है, इसको भी बनाना चाहिए, मारा सारा आप चालो और चालू कर दिया तो दिक्कत ना हो जाएगा, अरे कम से कम जो सेवा कर रहा है उसको तो होश में रहने दो, जो घूमने गया उसको पियाओ, नहीं समझ बाल्टी से पिलाओ। मालदीप में इतना बेहतरीन जगह है, वहाँ पे समुद्र के किनारे छोटी छोटी सार्क मछली चली आती है, लोग पकड़ लेते हैं, अरे सार्क आ गया, डॉल्फिन आई, छोटी छोटी यहाँ पे, और पानी इतना साफ रहता है कि नीचे का तल दिखता है, दिखता है बिल्कुल। मालदीप बहुत बेहतरीन जगह है घूमने के लिए, बहुत ही बेहतरीन जगह है। नौकरी उकरी हो जाएगा विद फैमिली जाइएगा लोग वहाँ पर, अब पूरा एक तो बड़ा सा विला बुक कर लीजिएगा, विला सारी प्लानिंग कर, विला क्या होता है, नेचुरल घर होता है जिसमें दो मंजिला बनाना अलाउ नहीं रहता है, एक के मंजिला रहेगा ऐसे वहाँ पर, और उसी में पूरा एकदम प्राकृतिक चीजें रहेंगी वहाँ पे, टेंशन फ्री रहिएगा, यहाँ पे मेंटेलिटी फ्री होता है, ज्यादा घूमने फिरने से क्या हो जाता है, मेंटल फ्री हो जाता है। मालदीव पे कब्जा क्यों नहीं कर लेते हम लोग, कौन बोला, देखो ये कह रहा है कि सर इसको इस सुंदर बनाने से अच्छा इसको कब्जा क्यों नहीं कर लेते, यूक्रेन पे कब्जा कर रहा बचा वो नहीं। 1945 में जब यूएनओ का स्थापना हुआ था तो उसमें स्पष्ट है कि कोई देश दूसरे देश पे कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन बीटो वाले थोड़ा नौटंकी कर देते, हमारे पास बीटो नहीं है। दूसरा अगर आप एक देश पे कब्जा कर लेंगे तो क्षणिक फायदा होगा, लेकिन बाकी देश से आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं, तो हमेशा पास का फायदा नहीं दूर का घाटा सोचना चाहिए, तब थोड़ा सा जगह कब्जा करेंगे हो जाएगा बवाल, बवाल समझ में आएगी नहीं बात, बिल्कुल काहे लिए मिलेगा कोई देश आप में। देखिए मातृता बहुत बड़ी चीज होती है, हम लोग को अगर रूस कहेगा हमें मिल जाओ हर हाल में फायदा है, लेकिन मिलेंगे लोग अपनी मातृभूमि कभी होती है, समझ गए नहीं, बहुत पते की बात। और प्लस हर एक चीज एक फन वे में बताए, एक कोई बच्चा पूछा था सर गलतफहमी है मालदीव्स को ही कब्जा लो, नहीं वो वाली बात बताए ना कि थोड़े फायदे के लिए बहुत बड़े लेवल पर वो दिक्कत हो जाती है, फिर बाकी लोगों से दुश्मनी मोल लेना, या फिर भारत कभी ऐसे नहीं करता, ऐसा नहीं करता, कभी भी ऐसा नहीं करता। और प्लस पाकिस्तान और वो जूम मीटिंग वाली बात बताई ना, जैसे ही मैंने एंट्री मारी सारे धीरे धीरे गायब हो गए। खान सर भैया सीधी बात करते हैं, ये नहीं देखते कि कराची जिस दिन आएंगे ना उस दिन कब जाएंगे। प्लस उन्होंने सही बात करी वाली कि भैया देखो जो कहना है वो कहना, वो उनको लगा कि वो इस उम्मीद में थे कि खान सर है तो ऐसा कर, नहीं 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 कभी कभी बोल देते हैं हम थोड़ा ज्यादा, नहीं हम तो बोलते ही हैं सीधी बात करते हैं, नो बकवास, नहीं पसंद वो क्या कह रहे हैं कि आप बुरा कहते, बुरा नहीं नफरत करते, भाई साहब फायरी मोड पे थे खान सर। प्लस इनकी वाली बात है चेहरे पे स्माइल रहती है, हर एक चीज बहुत बड़ी तरीके से, लेकिन जब सीरियस बात करते हैं तो बहुत पतेगी करते हैं, जैसे वो बहुत सही बात बताई, कोई भी टॉपिक भी समझाते हैं तो बहुत बहुत सही बात बताई उन्होंने कि अगर कोई
उन मासूमों की जान लेकर क्या क्या मिलता है कि जो कोई अपने घर जा रहा है। देखियो ताज में बेचारे कहाँ कहाँ से कितने लोग थे, मतलब कोई अपने घर जा रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, पर ऐसा नहीं कि खाली उसमें थे, ताज में कितने वेटर मतलब जो वहाँ पे, और ऐसी पता नहीं कौन सी जन्नत मिल जाती भैया, ये जिंदगी मिली ये जन्नत है इस जिंदगी उनको ना उसमें दिखाया था, उनको वो बोलते हैं कि तुम्हें कितनी जन्नतों की हूर वो मिलेंगी वहाँ इस जिंदगी में, तो सेटिंग हो नहीं पाती, शादी हो नहीं पाती, गर्लफ्रेंड बननी थी, इनको वहम डाल देते कि मरने के बाद तुम्हें 21 हूरों की वो मिलेगी। यार इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं होता सबसे पहले तो क्या है मतलब तुम दूसरों की जिंदगी खराब करके, पहली बात तो। और बाकी वीडियो एज यूजुअल खान सर की हमेशा बढ़िया होती है, और वीडियो आप शेयर करना ना भूलें चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।